लोकसभा 2024 के लिए जो मतदाता सूची है उसका अंतिम प्रकाशन हो गया है। अंतिम प्रकाशन होने के बाद जो है एक ये निकल के आया है कि हर जिले में या विधानसभावार वो लोकसभावार कितने कितने मतदाता हैं, उसमें अलग अलग है, महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं। तो रायबरेली लोकसभा सीट में आज हम आपको बताएंगे कि रायबरेली लोकसभा जो सीट है जिसमें चुनाव होना है उसके लिए अंतिम प्रकाशन जो मतदाता सूची है उसका गत 23 जनवरी को हो गया है। रायबरेली लोकसभा की अगर बात करें तो रायबरेली लोकसभा में अभी तक जो सूची जारी हुई है निर्वाचन आयोग की, उसमें 17,06,460 मतदाता जो है वे जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगर चुनाव होगा तो इतने लोग जो है अपना मतदान कर सकते हैं रायबरेली लोकसभा सीट के लिए। अब हम इसको अलग अलग बता देते हैं कि अगर इस 17,06,460 में आकलन किया जाए, जो निर्वाचन आयोग की सूची है उसमें रायबरेली लोकसभा सीट के लिए जो पुरुषों की संख्या है वो 9,22,067 जो है मतदाता भाग लेंगे, वहीं महिलाएं थोड़ी कम है, उनकी संख्या 8,43,329 की संख्या है। अभी फिलहाल जिस प्रकार से चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि संभवतः जब चुनाव होंगे उसके उसमें भी कुछ मतदाता बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर रायबरेली में हो या अन्य जो लोकसभा सीटें हो, सब जगह हर पार्टियां अपना अपना जो चुनावी गणित है उसका पूरा खाका तैयार कर रखा है। सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं और संभावित जो उम्मीदवार हैं वे इलाकों में जाकर लोगों के पास जाकर अपनी अपनी रणनीति तय कर रही हैं। कोई वॉल पेंटिंग करा रहा है तो कोई छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा है। हम अब आ जाते हैं कि रायबरेली लोकसभा सीट, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट बहुत सालों से, यूँ कहें कि जब से लोकसभा का पहले से गठन हुआ, आज 2024 में फिर चुनाव होने जा रहा है, तीन बार को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीता, हालांकि दो बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सांसद रहा। तो इस बार जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने ऐलान कर रखा है कि हम यूपी की जो 80 सीटें हैं 80 सीटें जीतेंगे, 80 सीटों में रायबरेली भी है। रायबरेली में जो बीजेपी है, जो सरकार यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है, उनके सभी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, एक एक चुनाव प्रभारी हैं। आज कार्यालय खुलना था जो लोकसभा का है, खासकर भाजपा का, उसका इंतजाम कर रहे होंगे, वो पार्टी के जिला अध्यक्ष करेंगे। लेकिन जो सरकारी मशीनरी है रायबरेली की, जिला निर्वाचन जो संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर के प्रभारी, सभी जुटे होंगे, जुटे हुए हैं। और इस कार्यालय के अंदर, यही कार्यालय है, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि इस कार्यालय में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये रायबरेली का जो निर्वाचन कार्यालय है यहीं से सारा जो है लोकसभा या विधानसभा का सब यहाँ जो एक कागजी सारा रूपरेखा तय होती है, उसके बाद पूरी तैयारियां लगभग तय हो गई हैं। सारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं बैठे हुए हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, ये सब फाइलें, ये सब यही कार्यालय है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरी हो गई हैं, तो रायबरेली में भी चुनाव होना है। जो जिम्मेदारी आयोग ने दी है उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायबरेली में जो मतदाता हैं और एक जो पोलिंग बूथ है, कितने मतदाता हैं उसकी भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि रायबरेली में जो है जो बूथ सेंटर हैं, कुल जहां पोलिंग सेंटर हैं वो 1,236 जो केंद्र हैं, और उसमें जो पोलिंग जहां मतदान होगा मध्य स्थल वो जो है 1,867 बना लिए गए हैं। और सुरक्षा का इंतजाम पूरा खाका क्या है वो रायबरेली के पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और रायबरेली की जिला
अधिकारी, आप लिखे यूँ कह सकते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी जो पूरी गणित है चुनाव की, उसको मद्देनजर देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन हो गया है। अब ये संभावना जताई जा रही है कि अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो पूरी तैयारियां रायबरेली में भी हैं और जो लोकसभा क्षेत्र होंगे वहां भी होंगी। तो जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, यह चर्चा है कि बस जो अगला महीना फरवरी का आएगा और फरवरी के बाद कभी भी जो है लोकसभा 24 का बिगुल बज जाएगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज़, रायबरेली।